नमस्ते, मैं हूँ सीमा गुप्ता। मैं एन एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, नेचुरल पैटर्न हीलर। आज मैं आपको कुछ वास्तु से संबंधित चीज़ें बताऊंगी कि जब भी हम अपना नया घर लेते हैं या फिर पुराने घर में कुछ समस्याएं चल रही हैं, झगड़े चल रहे हैं, या फिर आपका कारोबार बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर ग्रोथ नहीं हो रही, तो आपको क्या करना चाहिए। हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो नैऋत्य कोण होता है, यानी हमारे घर का जो दक्षिण पश्चिम कोना होता है, वो हमेशा भारी होना चाहिए। यानी और कोनों, जो हमारे और कोने होते हैं, उनसे भारी ये वाला कोना होना चाहिए। चाहे इसके ऊपर वजन रखा हो, चाहे फिर आप बड़ा सा एक काला पत्थर ला के रख दें, लेकिन वो हल्का नहीं होना चाहिए। हल्का होने की वजह से काफ़ी समस्याएं आ सकती हैं। तो क्या करना चाहिए? जब भी हम घर बनवाते हैं, तो हमारा जो दक्षिण पश्चिम कोना होता है, वहाँ पे एक सुदर्शन यंत्र और दो कौड़ियाँ अगर हम ज़मीन के अंदर दबा दें, तो इससे हमारा जो नैऋत्य कोण होता है वो एनर्जेटिक हो जाता है और समस्याएं कम आती हैं। ईशान कोण हमेशा हल्का, साफ सुथरा और सुंदर दिखना चाहिए। मतलब वहाँ पे आप कोई भी भारी सामान नहीं रख सकते हैं। फ्लावर पॉट है, आपने जानवर बांध दिए, आपने कुछ सामान रख दिया, किचन बाथरूम चीज़ें बना दी, वो सब नहीं करना है। जो ईशान कोण होता है वो हमेशा साफ़ सुथरा अच्छा होना चाहिए। ईशान कोण में हमेशा जब आप घर बनाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, श्री यंत्र, अगर आप घर बना रहे हैं, टाइल्स नहीं लगे हैं, तो श्री यंत्र आपको चांदी का एक छोटा सा बना कर आपको ईशान कोण में दबा देना चाहिए। इससे पूरे घर का वास्तु दूर होता है। हमारे घर में अगर पैसे को लेकर दिक्कत आ रही, पैसे नहीं आ रहे, तो पैसे आना शुरू हो जाते, लक्ष्मी आना शुरू हो जाती। अगर आपका घर बना हुआ है, तब आपको क्या करना चाहिए, एक चांदी का श्री यंत्र चावल में स्थापित करना चाहिए और हमेशा उसकी पूजा करनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप ईशान कोण को खुला हुआ और नैऋत्य कोण को भारी और वज़नदार रखेंगे, उतने घर में आपकी चीज़ें बरकत होगी। तीसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि आपको एक कांच की बोतल में पारा, आपको पता होगा पारा लेना है, पारा उसको भर देना है कांच की बोतल में, फिर वो जो पारा होगा वो आपको नैऋत्य कोण के कोने में स्थापित कर देना है। कांच की बोतल में पारा रख कर उसको बंद करके नैऋत्य कोण में अगर आप रख देते हैं, तो क्या होता है, एक तो जो नैऋत्य कोण है वो राहु और केतु ग्रह से संबंधित, अगर राहु और केतु ग्रह से संबंधित आपको समस्याएं आ रही, अगर कोई पुलिस का केस है, कोर्ट कचहरी के मैटर चल रहे हैं, किसी चीज़ में आप फंस गए हैं, राहु और केतु ही ऐसे चीज़ें करते हैं, तो पारा उन सब चीज़ों को कंट्रोल करेगा और जितनी भी समस्याएं आ रही हैं आपको, वो आना बंद हो जाएंगी। लेकिन ये आपको जो भी उपाय करने हैं, वो अगर आप उपाय सोमवार को करते, तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा बहुत अच्छा आएगा। तो सही समय पे किए हुए उपाय हमेशा हमें साथ देते हैं। थैंक यू।